हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे। इस रीडिंग को करने के लिए कैंडल का इस्तेमाल करेंगे, लाइक दिस, ठीक है? और इस रीडिंग को व्यूअर्स आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, चाहे वो आपके साथ में कनेक्शन में राइट नाउ है या नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप है या मन मुटाव चल रहा है, किसी तरह का कोई इशू हो गया है। सभी के लिए देखा जा सकता है इस रीडिंग को, कभी भी देख सकते हैं। आपसे रेजोनेट कर सकती है, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो रेजोनेट हो रखना, बाकी को इग्नोर करना। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है व्यूवर्स, ध्यान दीजिए, वो चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का जो नाम है, जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उनका नाम मनीमन दोहराइए, उनके बारे में सोचिए। या अगर आपके माइंड में वो 24 घंटे है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए हम एनर्जीज को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो मैं लाइट को कैंडल को लाइटन अप कर रही हूँ। ओके, देखो व्यूवर्स, इस व्यक्ति के मन में ना, वैसे तो ये आपसे बातें बहुत कुछ छुपाते हैं, बहुत सारी बातें छुपाते हैं, बट इस व्यक्ति की जो एनर्जीज आ रही है वो ये है कि वो आपको बोल देना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ। वो आपके बारे में अच्छा और बुरा हर तरह का हो सकता है। कुछ बातें ऐसी जो आपके पर्सन को आपकी अच्छी लगती हैं, वो आपके बारे में वो भी बोलना चाहते हैं कि हाँ, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत पसंद है, या तुम जो करते हो वो मुझे ये इस तरह से फील होता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में है वीवर्स आपको लेके, जो नज़र आ रहा है कि करंटली इनको आपसे ना, ये कहूँ वीवर्स कि इनको आपसे फिर से प्यार होने लगा है, आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन सा महसूस होने लगा है। क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ वीवर्स की, कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में एक तो डिटैचमेंट की एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है। मे बी आपके पर्सन आपके लिए, मे बी रिसेंट टाइम के अंदर, जो भी रिसेंट आपका टाइम गुजरा है या फिर जब से आप एक कनेक्शन में आए हो सकता है कुछ लोग की यहाँ पे अरेंज मैरिज हुई हो और आप लोग अपनी मैरिज को लेके कनेक्शन देख रहे हो, और आपको मे बी बाद में पता चला कि मेरे पर्सन का ऑलरेडी किसी के साथ में अफेयर है, किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक ये ओवरऑल एनर्जी जो ये रिप्रेजेंट करती है कि वो आपके लिए एक ऐसे हो गए थे जैसे कि एक छत के नीचे बेगाने। आप उनके साथ में रह रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, आप उनके साथ में कनेक्शन में भी थे, ठीक है, बातचीत भी हो रही थी, बट कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि आपको वो प्यार कहीं ना कहीं नहीं मिला इस व्यक्ति से, वो अटैचमेंट नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिली, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। आपको हमेशा से डिटैचमेंट फील हुआ है इस व्यक्ति के साथ में। तो इनिशियली स्टेज पे व्यूअर्स मैं बात करूँ तो ये पर्सन आपको लेके ज़्यादा कमिटेड या लॉयल नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो आपको लेके माइंडसेट है वो चेंज होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस चेंजेस की वजह से व्यूअर्स यहाँ पे ये हुआ है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कदम उठाना चाहते हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ से इस समय एक नेगेटिव एनर्जी का जो जो एहसास है वो फील कर पा रहे हैं। जब वो आपकी तरफ कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं या फिर आपके लिए एक अट्रैक्शन सा, आपके पर्सन एक पुल, जो मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी उनके ये सोचना सिर्फ एक तरफा है, मे बी अब आपके दिल में उनके लिए वो फीलिंग नहीं है, राइट? तो कुछ लोग के लिए व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि उनको आपकी तरफ आना तो है बट आपको लेके श्योर नहीं है वो ये कि आपसे उन्हें वो प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा जिसकी अब उनको ज़रूरत है। क्योंकि पहले ज़रूरत आपकी हुआ करती थी, लेकिन राइट नाउ इसके इस व्यक्ति की ज़रूरत आप हो। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज भी व्यूअर्स मुझे नज़र आता है, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला आप लोगों के बीच में कोई ना कोई पर्सन ज़रूर था और उसी की वजह से आपको इग्नोरेंस एक कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन इस व्यक्ति को व्यूअर्स ये चीज़ें समझ में आने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो वो थर्ड पर्सन है, अगर वो मैरिड है, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, तो उस व्यक्ति की शादी तय हो रही है, उस थर्ड पार्टी की, वो किसी और के साथ में एंगेज हो रहे हैं,
और आपके पर्सन अपनी लाइफ में अब अकेले पड़ रहे हैं। एक ये मेन फैक्टर व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आता है, जो बताता है कि अब इस व्यक्ति को समझ में आने लगा है कि इनको भी अपने इस रिश्ते में, जो रिश्ता आपके साथ में है, इसको संभाल लेना चाहिए इनको, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो इनको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं इसी वजह से व्यूअर्स, एक ये मेन फैक्टर हो सकता है कि अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलतियों का भी, कि ये गलत दिशा में भाग रहे थे, गलत इंसान के पीछे भाग रहे थे, जस्ट वो एक अट्रैक्शन था, उसके अलावा कुछ नहीं था, या इन्होंने गलत इंसान को अपनी लाइफ में चुन लिया था। इनका जो सच्चा प्यार है वो यहाँ पे आपके लिए मुझे नज़र आता है। अब ये अपने प्यार की वैल्यू को समझने लगे हैं, यानी आपके प्यार की वैल्यू को, ना कि अपने प्यार की वैल्यू को। इनको ये भी समझ में आने लगा है कि व्यूअर्स, कि ये गलत दिशा में एक तो भाग रहे थे, लेकिन अब जब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं तो जो पास्ट है आप दोनों के बीच का, मे बी वो इस कनेक्शन को करेंटली ट्रिगर कर रहा है, हिट कर रहा है। आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ की एनर्जी बहुत मिल रही है। एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं पर घबराते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि जो इंसान आपको इतना ज़्यादा फील करवा चुका है अकेला, और एक ऐसा व्यक्ति फील करवा चुका है आपको कि आपकी कोई वर्थ ही नहीं है, आप उनके लिए ज़रूरी नहीं हो, आपको मे बी ऐसा भी फील हुआ होगा कि मैं इस कनेक्शन में रुकूं या इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाऊं। मे बी हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो तो ही आप इस कनेक्शन में रुके हों, बट कहीं ना कहीं व्यूअर्स, जो पास्ट है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी से भरा हुआ नज़र आता है, जिससे कहीं ना कहीं निकल पाना बहुत मुश्किल है। बट ये बात भी है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को, आपके प्यार को समझने में ज़्यादा देर नहीं लग रही है, क्योंकि ये खुद एक दर्द से गुजर रहे हैं, वो दर्द जो कभी आपने देखा, यानी किसी का इग्नोरेंस, किसी की ना, किसी का साथ ना देना, किसी का प्यार ना देना, वो इस व्यक्ति को राइट नाउ फील हो रहा है। अभी ये व्यक्ति व्यूअर्स, अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी को लेके, तो ये चाह के भी थर्ड पार्टी को रोक नहीं सकते अपनी लाइफ में। कनेक्शन तो चाहते हैं बट अब उसके साथ में इनका कनेक्शन बन पाना या चल पाना असंभव नज़र आ रहा है। दैट्स व्हाई दे वांट टू रिटर्न बैक, और वो दर्द से भी यहाँ पे व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये दर्द ऐसा है जिससे ये इस समय गुजर रहे हैं, तो इनकी आँखों में अगर मैं बात करूँ तो मुझे आंसू भी नज़र आ रहे हैं दोनों के लिए, एक आपके लिए और एक थर्ड पार्टी के लिए भी। हाँ, ये थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं व्यूअर्स इमोशनली अटैच तो रहे हैं, और ये बात आपको भी पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन ये बात भी है व्यूअर्स कि अब आपको ये पर्सन की आंखों में जो आपके लिए आंसू हैं वो पश्चाताप के आंसू हैं, और पश्चाताप ऐसा व्यूअर जो आपके कनेक्शन को कहीं ना कहीं चीज़ें बदलने पे मजबूर कर रहा है, हालात बदलने पे मजबूर कर रहा है। अब व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लोग मुझे यहाँ पे सेपरेशन में भी नज़र आ रहे हैं, आप और आपके पर्सन करेंटली सेपरेशन में हो सकते हैं। मे बी आपने इस पर्सन के साथ में जो देखा है, जो फील किया है, उसको देखते हुए आपने इस कनेक्शन में मूव ऑन भी किया है, या फिर अपनी लाइफ में रिटर्न बैक किया है, वापस चले गए हो जिस लाइफ से आए थे। जा पाना कहीं ना कहीं मुश्किल तो है, बट ये चीज़ भी है व्यूअर्स कि जब से आप इस व्यक्ति से दूर गए हो, इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत उथल पुथल मच गई है, और उस उथल पुथल की वजह से व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन मिच्योर हो रहे हैं। पहले में भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में आपके लिए सीरियस थे ही नहीं, कमिटेड थे ही नहीं, वो आपके साथ में कनेक्शन में तो थे पर आपके लिए लॉयल थे ही नहीं, वो आपके साथ में सिर्फ एक, मे बी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हों जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ में सिर्फ रिलेशनशिप बना के चल सकते थे, ठीक है, वो आपसे शादी नहीं कर सकते थे, राइट, या फिर वो आपके साथ में सिर्फ एक फ्लर्ट वाली एनर्जी में रहना चाहते थे, कि वो कमिटेड नहीं होना चाहते थे, एक इमेच्योर तरीके से इस कनेक्शन को वो डील कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है, वो काफ़ी बेहतर तरीके से कनेक्शन को समझ पा रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं, और उनको ये भी समझ में आ रहा है, ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे मिल रही है, मे बी हर एक से रेजोनेट ना हो, आपका कनेक्शन मे बी दूसरे के साथ में जो था वो काफ़ी टाइम से होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी आपको ये नहीं बोला होगा, या फिर कभी भी अपने अगर बोला भी होगा कि आपसे शादी करेंगे तो शादी को किया नहीं होगा, या फिर हमेशा से बातों को टाला होगा, आपने शादी की बात की इन्होंने टाल दी, ठीक है, कमिटेड नहीं रहे, आपको जस्ट एक फ्रेंड की तरह रखना चाहते थे, क्योंकि इनकी लाइफ में और भी लोग थे, या फिर और भी जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो आपको जस्ट ही अपना फ्रेंड की तरह रखना चाहते थे कि फ्रेंड की तरह रहो, कमिटेड मत रहो, रिलेशनशिप चलाओ ऐसी चलाओ, लेकिन कमिटमेंट की इच्छा मत करो। अब आपके पर्सन को व्यूअर्स ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आती हुई नज़र आ रही है कि आप उनके जस्ट एक फ्रेंड नहीं थे, या इस कनेक्शन में जस्ट अगर वो फ्रेंड की एनर्जी ढूंढ रहे थे, एक फ्लैटनेस ढूंढ रहे थे, तो उनकी कहीं ना कहीं गलती है, और आपके पर्सन व्यूअर्स इसीलिए इस कनेक्शन को एक सीरियस
टर्न देना चाहते हैं या सीरियस होकर इस कनेक्शन को निभाना चाहते हैं। यस, आपके पर्सन की लाइफ में कोई और तो था, ये चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन अब आपके पर्सन चाहते हैं कि अब आप इनको अगर एक मौका दें तो वो अपने इस कनेक्शन में, जो भी आपके मन में इनको लेके नेगेटिव थॉट आ गए हैं, नेगेटिविटी आ गई है, या फिर आप इनको लेके अब सीरियस नहीं हैं, या फिर आप इस कनेक्शन को एक बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं, या इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कह सकता क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये भरोसे के लायक नहीं है। जब इस व्यक्ति ने मेरे इतने साल ख़राब कर दिए और मुझे जस्ट ऐसा बोल दिया वी आर जस्ट फ्रेंड, तो मैं इस व्यक्ति पे कैसे भरोसा करूं कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये जो व्यक्ति है ये मेरे साथ में कनेक्शन को लेके सीरियस रहेगा और मुझे धोखा नहीं देगी या नहीं देगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि जस्ट गिव मी वन चांस, अगर आप मुझे चांस देते हो तो कहीं ना कहीं जैसे मैं अपने प्यार को आपके लिए साबित करना चाहूँगा या चाहूँगी। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इनको आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, आप इनको मतलब बहुत ही केयर फ्री तरीके से ट्रीट कर रहे हो, बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो। आप मे भी इनको ये दिखा रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर आप इनसे प्यार नहीं करते हो, कमिटेड नहीं हो अब इस कनेक्शन के लिए, या फिर आपने इनको बहुत समय दे दिया है अब आप इनको और समय नहीं दे सकते, राइट? क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले सकते आपके लिए, क्योंकि आपने इनसे बहुत बार बोला कि एक्शन लो एक्शन लो एक्शन लो, लेकिन इस व्यक्ति ने कोई एक्शन नहीं लिया और सिर्फ आपको एक बहकावे में रखा, या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए भी बस ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि सिर्फ बोला किया कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, मे भी अपने घर वालों से कभी बात नहीं की इस व्यक्ति ने, ऐसा हो सकता है। तो आपका कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज दे बिकम लाइक अ चिकना घड़ा, एक ऐसा व्यक्ति जिस पे कुछ भी बोलो कोई असर नहीं होता, लेकिन अब इन पे कहीं ना कहीं असर होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट? तो ये व्यूअर्स मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रही है। नंबर 7 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6-2 की एनर्जी मिल रही है, नंबर 1 की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके, नंबर 9 की एनर्जी भी व्यूअर्स यहाँ पे है, तो आप लोग के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 की एनर्जी व्यूअर्स आप लोग के लिए, नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो काफ़ी सारे नंबर्स आज मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या किसी मंथ की पर्टिकुलर ये इवेंट की एनर्जी हो सकती है, राइट? तो आप इन चीज़ों को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। टॉरस राशि है यहाँ पे और सिंह राशि की एनर्जी गाइज यहाँ पे है, मेष राशि भी नज़र आ रही है, मेष सिंह धनु की एनर्जी पूरी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की राशि हो सकती है, कैंसर राशि हो सकती है, राइट? तो ये कुछ राशियाँ व्यूवर्स मुझे मिली, कुछ नंबर्स मिले हैं। इसके अलावा तुला राशि यहाँ पे है, तो व्यूवर्स यहाँ पे सीधे सीधे ये नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रांग डिसीजन आपसे चाहते हैं, आपके इस कनेक्शन को लेके आपका जैसे फाइनल आउटकम सुनना चाहते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं, ठीक है? और वो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेटिंग, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ ये कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। अब जल्दबाजी में मतलब कि आपकी तरफ से जैसे किसी आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपको मे बी हाल फिलहाल में कुछ बोला है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इंतज़ार में देख रही हूँ। अब एक ऐसा इंतज़ार जिसमें इस व्यक्ति की आंखों में आपका इंतज़ार है कि आप इनकी लाइफ में कब आएंगे, राइट? और यहाँ पे भी बस मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा आजकल, आपको मे बी स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं या फिर आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे व्यूअर्स मुझे फील होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इनका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है आपको लेके, ये एनर्जी भी गाइस यहाँ पे है, मतलब कि ये क्या करें, आपका दिल जीतने के लिए क्या करें, आपके दिल में जगह बनाने के लिए क्या करें, क्योंकि इस व्यक्ति को अगर मैं देखूँ ना व्यूअर्स, जब ये खुद टूटे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इशू यहाँ पे नज़र आता थर्ड पार्टी को लेके, वो यही रिप्रेजेंट करता है कि इनको इस समय आपका साथ चाहिए, ये आपके पास आना चाहते हैं, जैसे कि ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी गोद में सर रख के ये पर्सन रो लेना चाहते हैं, अपने 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 सारे गमों को आपसे कह देना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जस्ट सॉरी की एनर्जी लेके आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि बस बोल दो तुमसे सॉरी और तुम्हें गले लगाऊं और बहुत सारा रो लूं और तुम इन्हें माफ़ कर दो, इस तरह की एनर्जी से यहाँ पे नज़र आती है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्सन की तरफ से ना कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे सारी की सारी ड्रॉप जो है वो रुक चुकी है, कोई ड्रॉप यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो ये पर्सन की व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी है कि इस व्यक्ति के रोते रोते आंखों से तो आंसू भी सूख चुके हैं और कुछ भी इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा अपनी लाइफ में कि अब इन लाइफ में होगा क्या, क्या हो सकता है, क्या आप इन्हें स्वीकार करोगे, क्या आप इन्हें अपनी लाइफ में फिर से आने का मौका दोगे, क्या ये आपका जो विश्वास है हासिल कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज़ हो जाते हैं। और ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि
बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर इस व्यक्ति के पास में शब्दों की कमी हो गई है, शब्द नहीं है जिससे आपका ये दिल जीत सके, जिससे आपको एहसास करा सके कि नाउ दे बिकम लाइक अ जेन्युइन पर्सन, ठीक है, या फिर ये बोलें कि अब आपको लेके वो सीरियस हैं, कमिटेड हैं, बहुत सारे शब्द हैं इस व्यक्ति के अंदर ही अंदर चल रहे हैं, बट ये कह नहीं पा रहे हैं आपसे, अपने हालातों को आपको बता नहीं पा रहे कि इनके साथ में क्या हो रहा है, किस एनर्जी से ही गुजर रहे हैं, किस तरह से ही अपनी लाइफ में जी रहे हैं, बट दे वॉन्ट यू। यहाँ पे व्यूअर्स यही है कि इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए इस व्यक्ति को, और एक जो चुप्पी है दोनों तरफ से व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके और आपके पर्सन की तरफ से, और चाहते हैं ये टूटे ताकि कुछ कम्युनिकेशन हो, वो आपके मन की बात जान सकें, आप उनके मन की बात जान सकें और चीज़ें आगे बढ़ें। ऑल राइट सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेज ले लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या और बोलना चाहते हैं, क्या है उनके मन में जो आपको वो कन्फेस करना चाहते हैं। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं उस व्यक्ति के चैनल मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके व्यूअर्स, इस समय आपके पर्सन सबसे पहले आपको ये बोलना चाहते हैं, आपका जो प्यार है वो इनके लिए इतना ज़रूरी है कि जो इनके जख्मों पे मरहम का काम कर सकता है, यानी इनकी लाइफ में इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उठा पटक चल रही है, बहुत कुछ ऐसा है जिससे आपके पर्सन गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, इनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ में खड़े हो तो फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे आप ही काफ़ी हो इनके, इनका साथ देने के लिए, इनका साथ निभाने के लिए, राइट, और इनके हार्ट को हील करने के लिए, ना इनके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन कल रात भी आपके बारे में सोच रहे थे, ठीक है, उन्होंने कल रात आपके बारे में ड्रीम भी देखा है जिसमें उन्होंने अपने आप को आपके साथ में देखा है, ठीक है। आपके पर्सन को यहाँ पे आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप जस्ट उनके सिर्फ एक रिलेशनशिप में नहीं हो या उनके सिर्फ एक फ्रेंड नहीं हो, आप उनसे कहीं ज़्यादा हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक तो हीलर भी है, सपोर्टर भी है, केयरिंग भी पर्सन है। तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे हैं। आई हैड ए ग्रोन अलॉट सिंस वी सेपरेटेड। तो अब आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं व्यूअर्स कि जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है तब से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, मैच्योरिटी में आए हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं, पहले में भी वो नहीं समझ पाते थे बट अब वो समझने लगे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की जो निगाह रही है व्यूअर्स, वो यानी कि कहीं ना कहीं आपको लेके पहले ऐसी रही है कि ये आपको लेके सीरियस नहीं थे, कमिटेड नहीं थे, और इनका रिलेशनशिप किसी और के साथ में भी रहा है, इनकी आंखें किसी और को तलाश रही थी, ढूंढ रही थी, और वो उनको मिला भी। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हाँ, ये सब कुछ जो भी हमारे कनेक्शन में हुआ है उसको भुला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पास्ट से चीज़ें जो आ रही हैं वही इस कनेक्शन को इफेक्ट कर रही हैं, तो पास्ट एक ऐसा जो कहीं ना कहीं काला है, ब्लैक है, जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है, यानी कहते ना उस डार्कनेस में से, पास्ट एक ऐसा है जिसमें काले कोयले की कोठरी है जिससे इंसान निकल के आ रहा है, लेकिन वो काली है वो जा नहीं रही है, जो उनके कैरेक्टर पे कहीं ना कहीं लग गई है, राइट। आपका कनेक्शन टॉक्सिक है, यस, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी इसमें आ चुकी है, ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं एक दूसरे को लेके, जो प्यार है वो कहीं ना कहीं बहुत बिखरा है, टूटा है, ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं इस कनेक्शन में, और राइट नाउ भी ये चीज़ें इस कनेक्शन को इफेक्ट कर रही हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको बोलना चाहते हैं इफ़, यस, यहाँ पे इफ़ की एनर्जी क्रिएट होती है, वो ये कि वो आपको बोलेंगे नहीं कि यार रुको, मुझे जानबूझ के मेरे कनेक्शन में रुको, मुझे एक्सेप्ट करो, या मेरे साथ में ज़बरदस्ती रिश्ता निभाओ, ज़बरदस्ती मुझे अपनी लाइफ में रखो, या मेरी लाइफ में रुके रहो, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, अगर तुम चाहो तो रुको, नहीं चाहो तो मूव ऑन भी करो। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं बिकॉज, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी कुछ हो इस कनेक्शन में वो दिल से हो, ठीक है, मजबूरियों की वजह से ना हो, दोनों जो रिश्ता निभाएं वो दिल से निभाएं, ना किसी प्रॉब्लम में आके इन फ्यूचर फिर फंसे, फिर वो बोले कि नहीं हमने तो गलती कर दी, ऐसा आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। तो जो कुछ भी हो इस कनेक्शन में आप दोनों की रजामंदी से होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन आपको मे बी इनिशियली जब आप दोनों का मे बी रिलेशनशिप बना, मे बी आप लोगों की, मे बी कुछ लोगों की हो सकता है यहाँ पे मैरिज भी हुई हो, बट आपके पर्सन आपको अट्रैक्टिव नहीं लगते, आपको अट्रैक्टिव नहीं मानते थे, उनको लगता था आप उनके टाइप के नहीं हो, मे बी ये कनेक्शन बहुत जल्दी बन गया,
मे बी जस्ट एक कनेक्शन, मतलब कहते ना बहुत जल्दी से डेवलप हो जाना, सोचना समझना नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी स्टेप ले लेना या इंटीमेट बहुत जल्दी हो जाना, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन में रही हैं। तो अब आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाँ, पहले तो मुझे सही नहीं लगते थे, मेरे टाइप के नहीं लगते थे, अट्रैक्टिव नहीं लगते थे, इसीलिए मेरी लाइफ में कोई अनदर पर्सन आया या आई, ठीक है। और लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप उनके लिए बेस्ट पर्सन हो, क्योंकि अब आपके पर्सन आपको अट्रैक्टिव मान रहे हैं, पहले नहीं मानते थे, और दैट्स वाई वो चाहते हैं कि आप जो भी हो, दोनों की इच्छा से हो, रजामंदी से हो, इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़े। तो एक एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी, जैसे आप हो वो आपको वैसा एक्सेप्ट करें, वो जैसे हैं आप उनको वैसा एक्सेप्ट करें, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।